बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो भारत के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मैं सोचा कि इसी टॉपिक पे बात किया जाए, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करें। कोरोना वायरस जो धीरे धीरे का खतरनाक रूप लेते जा रहा है इंडिया के अंदर और आज पूरे विश्व में, सबसे बड़ी समस्या का कारण कुछ है तो वो है कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया जा चुका है। आप सब न्यूज़ देखते होंगे तो आपको सब पता होगा। इसलिए और इस अध्ययन में माना है, WHO ने अध्ययन किया है कि इस वायरस को फैलने से एक सप्ताह के अंदर ही हम लोग रोक सकते हैं, ये भी दावा किया है WHO ने। सरकार तो इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोरोना वायरस इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसके फेफड़ों में संक्रमण करता है, जिसके कारण उसे बुखार, फिर सूखी खांसी हो जाती है और इसके बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में इसके लक्षण औसत 5 दिन तक दिखना शुरू हो जाता है। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि कुछ लोगों में इस वायरस के लक्षण कुछ दिनों के बाद भी दिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किए निर्देशों के अनुसार किसी भी इंसान के शरीर में कोरोना वायरस पहुँचने और उसके लक्षण दिखने में 14 दिनों का समय लग सकता है। सबसे पहले सिर दर्द होगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, बुखार और थकान होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। कोरोना वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को शिकार बना सकता है, लेकिन इस वायरस से ज़्यादा खतरा अधिक उम्र के लोगों और जो पहले से अस्थमा, डायबिटीज़ व हार्ट की बीमारी जैसी समस्याओं से परेशान हैं, उनको जल्दी अपने चपेट में ले रहा है। WHO ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक लोगों में पाया जा रहा है। सफाई का बिल्कुल ध्यान दें, सफाई के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाथों को लगातार धोते रहें। अगर आपके हाथ गंदे नहीं हैं तब भी धोएं, और हाथ धोने के बाद हो सके तो सैनिटाइजर का यूज़ करें। दिन में कम से कम 5 बार से लेकर 10 बार तक हाथ धोएं, जितना बार हो सके, मैं ऐसे बता रहा हूँ राउंड फिगर में आपको। कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष का ध्यान रखें। WHO ने हाथों की सफाई को प्राथमिकता और प्रमुखता दी है और दिन में कम से कम 5 बार साबुन से हाथ धोएं। जो भी है आपके पास साबुन हो या हैंड वॉश हो, किसी भी चीज़ से दिन में 5 से 10 बार हाथ जरूर धोएं। छींकने और खांसने के बाद रुमाल का इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर को अगर एक बार इस्तेमाल कर ले तो उसको फेंक दें। बीमार व्यक्ति से मिलने के बाद हाथ धोएं, अच्छे से हाथ धोएं। शौच के बाद हाथ का साफ सफाई अच्छे से करें। खाना खाने से पहले हाथ का साफ सफाई करें, खाना खाने के बाद हाथ का साफ सफाई करें, पशुओं को छूने के बाद हाथ का साफ सफाई करें, मुंह पे मास्क लगाकर घूमें। जब भी घर से बाहर निकलना या फिर कहीं बाहर घूमने जाएं तो मुंह में मास्क लगाकर जरूर जाएं। जितना हो सके बीमार व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करें। खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का हमेशा इस्तेमाल करें। आँख, नाक और मुँह को छूने से पहले अपने हाथ का अच्छी तरह से सफाई करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, उसके बाद ही अपने आँख, कान, मुंह, नाक को छुएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश किया हूं। अगर अच्छे से बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग इस वीडियो को देखें। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।